दोस्तों ये है वो कोड जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने इसका कटिंग देखा था, और ये है बॉडी फ्यूजिंग बॉडी कैनवास जो हम इसमें यूज करेंगे, और यह है अस्तर लाइलिंग। तो लाइलिंग कैसे कटिंग करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यह है ब्लैक साटन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ठाकुर द्वारा फैशन डिजाइन कटिंग करके दिखाया था। सबसे पहले हम इसका मार्किंग उठाएंगे, तो मार्किंग कैसे उठाना है आप लोग देखिए। यह है कच्चा धागा, कच्चा थ्रेड, और यह है सुई नीडल। सेम जैसे मैं मार्किंग उठा रहा हूं सेम आपको फॉलो करना है।
अब हम बॉडी फ्यूजिंग कटिंग करेंगे। तो बॉडी फ्यूजिंग आपको कैसे कटिंग करना है आप देखिए। फ्रेंड अब हम इसको फ्यूजिंग करेंगे। तो फ्यूजिंग कैसे करना है देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको फॉलो करना है।
फ्रेंड यह है पाइपिंग का फैब्रिक जिसको मैंने क्रॉस में कटिंग किया है, उरेब में कटिंग किया है, तो आपको भी क्रॉस में कटिंग कर लेना है और इस तरह से आपको डबल में फोल्ड कर लेना है। वैसे तो दोस्तों ठाकुर द्वारा में फैशन डिज़ाइन में पाइपिंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्टाइल हैं, जिसमें से एक स्टाइल, एक तरीका हम लोग इस कोट के स्टिचिंग में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कच्चा थ्रेड, कच्चा धागा से जो हमने मार्क उठाया हुआ है उस मार्क पे फोल्ड कर लेंगे।
दोस्तों इस पिक लेपल का हम एक पैटर्न कटिंग कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों फ्रंट में हमारा एक लेवल एक जैसा पिक आएगा। तो इस तरह से देखिए, इस मार्क में आपको रख लेना है और यहाँ एक मार्क लगाना है और इस तरह से देख लेना है इसका पॉइंट जहाँ है मार्किंग, यहाँ एक मार्क लगा के और इस तरह से मार्क लगा लेना है आपको। और इस मार्क को इसमें मिला दीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से मार्क लगा लीजिए और अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न कटिंग हो चुका है। फ्यूजिंग करने के बाद हम इसी को रख के मार्क लगा लेंगे और दोनों फ्रंट में हमारा एक जैसा पिक बनेगा। अब हम इसको फ्यूजिंग कर रहे हैं, तो फ्यूजिंग कैसे करना है देखिए। दोस्तों फ्रंट को फ्यूजिंग करने में टाइम लगता है, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में दिखाऊंगा तरीका जो है फ्यूजिंग करने का, वो तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फ्यूजिंग करने में टाइम लगता है तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फ्यूजिंग को हल्का हल्का ऊपर से नीचे तक दोनों फ्रंट में फ्यूजिंग कर लीजिए। उसके बाद फिर अच्छे से फ्रंट को फ्यूजिंग कीजिएगा। फ्यूजिंग करने में टाइम लगेगा, तो आपको अच्छे से फ्यूजिंग करना है ताकि बबल्स ना आए। इस तरह से पलट के और इधर भी पहले आप ऊपर से नीचे तक हल्का हल्का फ्यूजिंग कर लीजिए। उसके बाद फिर दोनों फ्रंट में अच्छे से फ्यूजिंग कीजिएगा। यह है पेपर फ्यूजिंग, सॉफ्ट पेपर फ्यूजिंग। तो पेपर फ्यूजिंग हम इसमें यूज करेंगे, तो आप देखिए कैसे यूज करना है। फ्रेंड ये जो हमने पैटर्न कटिंग किया है, इससे हम दोनों फ्रंट में मार्क लगाएंगे। तो कैसे मार्क लगाना है देखिए।
तो इस तरह से हमने दोनों फ्रंट में मार्क कर लिया है। इससे फ़ायदा यह है, इससे बेनिफिट यह है कि दोनों फ्रंट में हमारा एक लेवल का पिक आएगा, ना चौड़ा होगा ना पतला होगा, दोनों फ्रंट में हमारा जो पिक बनेगा वो एक लेवल में बराबर बनेगा। मार्किंग में फोल्ड कर लेना है लेपल को। फ्रेंड ये है टेप जो हम लेपल में यूज करेंगे। ये मैंने बॉडी फेजिंग में, बॉडी कैनवस में 1 सेंटीमीटर का स्ट्रेट खड़े में कट किया है। आप चाहे तो मटेरियल शॉप से इसको परचेस भी कर सकते हैं। इसको टेप बोलते हैं, लव टेप। तो ये कैसे यूज करना है देखिए। यहाँ दोस्तों इस तरह से खींच के इसमें नम देना है, फुलनेस देना है। और ये जो हमारा नम है आपको एक लेवल में इसमें फ्यूजिंग करना है इस तरह से। और ये करना ज़रूरी है, ये देना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से इसमें नम नहीं देंगे तो आपका लेपल उठेगा, लेपल में अल्ट्रेशन आएगा। तो अगर आप इस तरह से टेप इसमें दे देंगे तो लेपल जो है, लेपल में बिल्कुल अल्ट्रेशन नहीं आएगा, लेपल बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ बैठेगा। यहाँ भी हम 4 से 5 इंच का टेप यहाँ फ्यूजिंग करेंगे। इससे फायदा यह है कि ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। ये पूरा ऊपर तक नहीं कटिंग करना है, ऊपर जो मार्किंग है ऊपर से 1.5 इंच नीचे आपको कटिंग करना है। इस मार्क को इस तरफ उठा लेना है। ये है हेयर कैनवस और ये डबल में है। और ये कैसे कटिंग करना है देखिए।